जाते हुए पुढे वळणा पलटल वळण फुल पावर में आ रहा है वो खड़ा नहीं रहेगा स्वयं भाई वो खड़ा नहीं है। किधर आ जाओ आप मुझे। नमस्ते सर। नमस्ते, कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया सर। कब आए सारंगढ़? आजकल भी आए हो आप तो शायद? कल कल शाम में आए थोड़े। अच्छा। तो वैसे आप रहने वाले कहाँ के हो? पूना, भुगाव पूना के। भुगाव पूना जी, ठीक है। क्या नाम है अपने फार्म हाउस का? रेनेगेड हॉर्सेस मेरा फार्म है। एक्चुअली मैं मारवाड़ी ब्रीडर हूँ। अच्छा। आज भी थोड़ा बहुत हूँ। मारवाड़ी ब्रीडर हुआ जी जी। पिछले दो साल से हमारे दोस्त है बहुत करीबी भाई जैसे देवराज सिंह जाडेजा राजकोट के, उन्होंने हमें काठियावाड़ी ब्रीड की लत लगा दी। क्या बात है, 12 घोड़े रखे हुए है काठियावाड़ी। अच्छा, 12 घोड़े आपके पास? 10 मादिया है, 2 नर है। जैसे ये है पेशवा, ये इसका नाम पेशवा है क्या? जी जी। ये तो बहुत बहुत पावरफुल है ये तो है। कितने घोड़े बताए? हाँ जी, कितने घोड़े बताए आपने? काठियावाड़ी टोटल 12 घोड़े है काठियावाड़ी और 6 मारवाड़ी। 6 मारवाड़ी है। मारवाड़ी में अपने लाइन के हैं सभी? बिल्कुल। तो कौन सी लाइन के? अर्बुद की एक घोड़ी है मेरे पास गोल्डन नाम की, ठीक है, जो अहमदाबाद में 4th आई थी, आखिरी शो में 3rd आई थी। मारवाड़ी मेरे पास रत्नाकर लाइन के श्री हर्षवर्धन तावरे जी के ब्रीडिंग का एक घोड़ा है। ओके। और 2 घोड़िया है वो आलिशान लाइन के ही है ज्यादातर। आलिशान लाइन के, ठीक है ठीक है। अच्छा, आप जैसे काठियावाड़ी ब्रीड है जो गुजरात की है जी, और आप इनको जो प्रमोट कर रहे हो महाराष्ट्र में जी, महाराष्ट्र में आपको देखकर और किसी को शौक लग रहा है ये काठियावाड़ी का? अभी 2-3 और ब्रीडर आ चुके हैं। अच्छा। जो काठियावाड़ी पालने लगे, और बात ऐसी है कि ऑलमोस्ट 95-98 तक महाराष्ट्र के ज्यादातर बाजारों में काठियावाड़ी घोड़े ही मिलते थे। अच्छा। मारवाड़ी बहुत कम दिखाई देते थे। ओके। और अब क्या है, यूट्यूब आपके जैसे लोगों की वजह से लोगों को जानकारी बहुत मिल चुकी है मारवाड़ी की, पर ये ब्रीड को लोग नजरअंदाज करने लगे हैं और लोग समझते हैं काठियावाड़ी गरम नस्ल है, ऐसे है नहीं कुछ। अच्छा। ये थोड़ा इमोशनल जानवर है, इंटेलिजेंट एनिमल है, अटैच बहुत जल्दी हो जाते हैं मालिक से। और हमारे यहाँ जितने भी लड़के हैं हमारे यहाँ जो इनकी देखभाल करते हैं, अगर आप उनसे पूछो तो बोलेंगे कि ये बहुत ही प्यार करने वाली नस्ल है, शांत है, आप जैसे पालोगे वैसे ही रहेंगे। मतलब जैसे मेंटेन करना चाहो वैसे बिल्कुल, ये बिल्कुल शांत हो जाते हैं जानवर। अभी ये जो मस्ती कर रहा है इसका कारण ये बाजार में आया है, पहली बार इतने घोड़े देखे हो। बिल्कुल बिल्कुल, वही कारण है इसका। ये पहले लोम नाम मंदिर में था घोड़ा। अच्छा। वहाँ हमारे दोस्त है रुद्रराज सिंह परमार, उन्होंने हमें दिलाया घोड़ा, और इसके अभी 2 रिजल्ट अगले महीने आ रहे हैं, तो देखते हैं क्या तक। अच्छा, 2 रिजल्ट जो आएंगे आपके वहीं पे आएंगे? नहीं, एक हमारे दोस्त की घोड़ी कवर की थी, तो हमने एक चीज की है कि मेरे दोनों भी स्टैलियन, अगर आपके पास काठियावाड़ी घोड़ी महाराष्ट्र में है तो मैं कवर की चीज बिल्कुल नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही। वो फीस लेने से कोई मतलब ही नहीं है। देखो, बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो काठ एक इस नस्ल को भी बढ़ावा दे रहे हैं, मतलब महाराष्ट्र में। और मैं तो कहता हूँ कि हर ब्रीडर को ऐसा करना चाहिए, सोचना चाहिए जी। अभी शेखर सक्ते करके हमारे दोस्त है बॉम्बे के, उन्होंने भी एक कवर मादी ली है हमसे। ओके। वो भी पेशवा से ही सबर है मादी। अच्छा, 3-4 महीने की सबर होगी। ओके। और हमारा पिछले साल जो घोड़ा था ताज, जो यहाँ 3rd आया था, उसके भी अभी 2 रिजल्ट आ गए और 4 बाकी है अभी आने। ओके, वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। क्या नाम बताया इसका घोड़े का? पेशवा। पेशवा। और एज कितनी होगी इसकी? इसकी 7 साल उम्र है। 7 साल का बच्चा है, गवर्नमेंट लाइन का ही है पूरा। अच्छा अच्छा। बासरे मतलब एक खानदानी खानदानी ब्लड लाइन से बिलोंग करता है। बिल्कुल बिल्कुल, गवर्नमेंट लाइन का ये घोड़ा पूरा। ओके ओके ओके। ताकत। तो अभी यहाँ पे इसको लेके आए हो आप रिंग के लिए? लेके आए जी जी, स्टैलियन रिंग में कम्पीट करेगा आज शाम में। ओके ओके ओके। आज ही है ना इनकी रिंग? हाँ जी, आज शाम में रिंग। ठीक है।
इसका कलर भी यूनिक है। एक बात है, काठियावाड़ी में जो कलर होते हैं जी वो हर किसी को पसंद आते हैं, हालांकि ये बात अलग है। अभी क्या है श्रवण जी, अभी फैशन हो गया है सोन माकड़े का, पैलोमिनो जो कहते हैं, गोल्डन घोड़ा चाहिए, गोल्डन घोड़ा चाहिए। बिल्कुल, अभी इसका फादर जो था वो गोल्डन था, पैलोमिनो था। अच्छा अच्छा, ये ठिपकी है। और काठियावाड़ में सिर्फ ब्लैक ये कलर अलाउ नहीं होता, मुश्का जिसे कहते हैं वो अलाउ नहीं होता। ओके ओके, बावरा जो अबलक कहते हैं, अभी ये भी मैं सीख चुका हूँ, अबलक लाल अबलक अलाउ होते हैं पर रिंग में ज्यादा चलते नहीं है। अच्छा अच्छा, ये आ गया ऋतुराज भाई साहब, इन्होंने ये घोड़ा दिलाया है, इन्होंने शौक लगाया। नमस्कार जी, नमस्कार। इन्होंने और देवराशी जाडेजा भाई ने ये शौक लगा दिया, ये इन्हीं का घोड़ा समझ लीजिए। गुजरात, देखिए गुजरात की ये ब्रीड है और काठियावाड़ी की, बहुत मैं तो कहूंगा कि एक रेयर ब्लड लाइन मतलब है ये ब्लड। 100% अब देखो मारवाड़ी और सिंधी तो हर कोई पालता है, लेकिन काठियावाड़ी को हम भी यही चाहते हैं कि बहुत बढ़ावा मिला इसको। हम स्पेशल थैंक्स केशव भाई को इसलिए कहना चाहेंगे बिकॉज ऑफ हमारी ब्रीड वहाँ से इतने सारे किलोमीटर दूर जाके महाराष्ट्र में पूरा अलग ट्रेंड में पूरा उन्होंने बसाया हुआ है। अभी वन ऑफ ही इज ओनली वन मैन जो इतने सारे अच्छे से काठियावाड़ी और इतने सारे काठियावाड़ी उन्होंने रखा हुआ है। बिल्कुल, और सबकी सब अलग अलग ब्लड लाइन्स, कोई भी ब्लड लाइन मिक्सअप नहीं है, सबके सब रेयर कलर, सब जो भी हमारे पास अच्छा अच्छा है वो सब इनके पास कलेक्शन में है। मतलब प्योरिटी वाली चीज आप गुजरात से निकाल के महाराष्ट्र भेज रहे हो। सर जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मुझे मारवाड़ी, मैंने इतने सालों से पाले मारवाड़ी का ब्रीड स्टैंडर्ड, स्पेसिफिकली हाइट जो है, हाइट हर 4 साल बदलते रहते। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हमने भी देखा साहब, पहले 63 थी, फिर 64 हो गई, 65 हो गई, 66 जाएगी। काठियावाड़ी का मैंने एक गौर किया है कि 60 इंच के ऊपर, चाहे फिर वो प्रेसिडेंट का घोड़ा हो, बिल्कुल वो रिंग आउट कर दे, रिंग आउट हो जाता है। अच्छा अच्छा, रिंग आउट हो जाता है, के अंदर ही घोड़ा चाहिए। और ये जो इनका पहले से स्टैंडर्ड सेट है, ये कामा जो है उनकी संस्था जो है, उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट रखा ये स्टैंडर्ड, जिससे फर्क क्या पड़ता है। अब मैं तो नया हूँ काठियावाड़ी, बिल्कुल अगर मुझे घोड़े पालने तो समझ में ना आना चाहिए क्या रखना है, तो वो स्टैंडर्ड स्पेसिफिक जब सेट होता है तो वो आसान हो जाता है नए आदमी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो मैं तो चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में हर एक फार्म पे एक दो काठियावाड़ी तो रखने चाहिए। काठियावाड़ी हुआ, हमारी खुद की ब्रीड है भीमथड़ी, वो भी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, वैसे आप ब्रीडर हो मारवाड़ी के तो मारवाड़ी को भी प्रमोट कर किया करो। बिल्कुल, मारवाड़ी को प्रमोट करने की जरूरत नहीं, काट रहे घोड़ी आखिर वो तो ऑलरेडी प्रमोट है सर। बहुत सारे लोग प्रमोट करते हैं, आज महाराष्ट्र में 100 से ज्यादा अच्छे स्टड फार्म बने हैं मारवाड़ के। बिल्कुल, बड़े बड़े आप नहीं, गुजरात में भी बहुत बड़े लेवल पे काम हुआ मारवाड़ी पे। और महाराष्ट्र में हम दावे के साथ कहते हैं कि आप ब्लड लाइन का नाम लीजिए, वो ब्लड लाइन का घोड़ा आपको महाराष्ट्र में ना कि सिर्फ स्टैलियन मेयर्स भी मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो मारवाड़ी को प्रमोशन की ज्यादा जरूरत है नहीं। वो तो आप वैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हम तो देखो हम तो क्या है, हमारे लिए तो मारवाड़ी, काठियावाड़ी, सिंधी जो भी नस्ल है, हम तो यही चाहते हैं कि सभी प्रमोट हो। बिल्कुल, ये इंडियन जितनी सारी ब्रीड्स है हमारी, भीमथड़ी भी है महाराष्ट्र की ब्रीड। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे ब्रीड तो बिल्कुल प्रमोट होने चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, मारवाड़ी में क्या है अपने पास में, एक बार वो निकाल के फिली एलाई है, गोल्डन अर्बुद की बच्ची है। अच्छा अच्छा, अहमदाबाद में थर्ड फोर्थ आई थी, अक्लू शो में थर्ड आई है। ओके ओके, सचिन भाऊ जगताप जो है अहमदनगर के एजे स्टड फार्म, उनसे हमने ली थी। आपको शायद रोकना पड़ेगा वो निकालने में थोड़ा। टेबल बस, ये अर्बुद की है बच्ची। हाँ जी, अर्बुद इनटू लक्ष्मी, सचिन भाव जनता जो है नगर की ब्रीड की हुई है। अच्छा, महाराष्ट्र में हुई है। हाँ जी, ब्रेड इन महाराष्ट्र, सोल्ड इन महाराष्ट्र, शी लिव इन महाराष्ट्र। अच्छा अच्छा अच्छा, कहाँ पे लगी थी ये शो में? अहमदाबाद में अभी जो शो हुआ वहाँ फोर्थ आई। अच्छा, और अक्लूज में जो शो हुआ धवल दादा का, धवल सिंह जी, मोहिते पाटिल जी का, वहाँ पे थर्ड आई थी घोड़ी। अच्छा, वहाँ पे अर्बुद के 1-2-3 आए थे। फर्स्ट जो आई हमारे दोस्त है रौनक जी, कर्नावट। अच्छा अच्छा अच्छा, रौनक कर्नावटी की घोड़ी फर्स्ट आई थी, हमारे दोस्त है राज सातपुते जी उनकी फिली सेकंड आई थी और ये थर्ड आई। अच्छा अच्छा, महाराष्ट्र में पहली बार ऐसे हुआ कि तीनों ब्रेड इन महाराष्ट्र बच्चिया फिलीज तीनों अर्बुद की 1-2-3 आई। अच्छा, अर्बुद की आई मतलब। हाँ जी हाँ जी। ओके ओके, और अर्बुद तो सीधे तूफान का ही है। तूफान का, तूफान। बिल्कुल, ये तो कुमेद में हो जाएगी कलर्स का।
मैं इसे सुरंग बोलता हूँ, हमारी भाषा में इसको सुरंग बोलते हैं। अच्छा, सफेद होने के लिए उसके पैर थोड़ी काले होने चाहिए। नहीं, अभी तो जैसे ये बच्ची है ना, 20 महीने की है, पर ये और रंग काला नहीं करेगी, तोड़ेगी नहीं। अच्छा अच्छा, यही कलर रहेगा। हाँ, तो फिर तो सुरंगी होगी, फिर तो सुरंगी होगी, सुरंगी रहेगी। बच्चे की लेंथ अच्छी है इसकी, उसकी नेक और लेंथ जो है वो पूरा अर्बुद से ही आती है। अर्बुद के आप जितने भी बच्चे देखोगे नेक में बहुत तगड़े हैं। और मैं हाइट का शौकीन हूँ नहीं, बिल्कुल सही है। 63-64 तक बहुत हो गया, बहुत होता है। 62 वैसे तो 62 बहुत है, हर एक को चाहिए 70 इंच का जानवर, वो की पाल लीजिए। बिल्कुल सही बात है, ये सही बात है आपकी, फिर तो ऊटी पालना चाहिए। ब्रेड रखिए, ऊंट रखिए, बिल्कुल सही बात। ये अभी स्टैंडिंग पट्टे से 61 इंच की है, मेरे हिसाब से ये प्लस हो जाएगी। इट्स अ गुड हाइट फॉर अ मारवाड़ी पशु। 62 बहुत है मारवाड़ी में तो, इतनी बहुत है प्योरिटी जो चीज चाहिए ना। घोड़े जो है आप एक्चुअली नापोगे नेक पैरेलल रख के तो बहुत सारे 65 वाले 63 में आ जाएंगे। बिल्कुल, गर्दन ऊपर करके गर्दन पे ही नापोगे तो मैं इसको भी 64 यहाँ नापू तो ये भी 64, ये भी बहुत नापने का तरीका है। झूठ बोलना होता है, बाकी कुछ नहीं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। तो ये भी अपने रिंग के लिए आई। हाँ जी, ये मिल्क इतने पार्टिसिपेट करेगी परसों। ओके 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 ओके, चलो बेस्ट ऑफ लक है हमारी तरफ से। थैंक यू आपको, थैंक यू कि एक बार फिर सारंगेड़ा में अर्बुद का नाम रोशन हो। अर्बुद खुद यहाँ जीत के गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक बार आपके कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए सर। 9823281506। ठीक है, आप भी पधारी है पुणे। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर, मोस्ट वेलकम आपकी बार। एक बार एक ट्रोट करा लाना इसको थोड़ा सा। सॉरी सॉरी, कोई बात नहीं।